हमारे चैनल एरुडिशन प्लस को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन। हेलो गाइस, वेलकम टू एरुडिशन प्लस। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहले हम जानते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री होती क्या है। ये क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक के लिए। लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है कि लाइफ स्टॉक के अंदर आती क्या क्या चीज़ें हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल विच आर रेज फॉर आवर बेनिफिट। हमारा बेनिफिट मतलब कि घर में जो आपके अंडे आते हैं, या फिर आप समझिए घर में जो मछलियाँ बनती है, या कुछ भी जो कैटल का जो डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, वो भी एनिमल हस्बेंड्री का ही एक हिस्सा है। तो हुआ ना ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो इसी हिसाब से देखिए लाइफ स्टॉक कैसे रेज हो रहा है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के कारण हमें दूध मिल रहा है, हमें दही के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बहुत कुछ, जैसे कि एग्स है जो पोल्ट्री फार्मिंग के कारण आ रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बातें मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ, जो डबल टिक लाइंस हैं ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट, एम्स, ये सब में पूछी गई हैं। तो ये सब इसमें मार्क किया हुआ है और बोर्ड लेवल के लिए भी मैंने मार्क करके रखा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब इसी को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आता है एनिमल ब्रीडिंग। बोलने से हमको पता चलता है कि ठीक है एनिमल्स का हमको लाइफ स्टॉक रेज करना है ये सब। अब एनिमल ब्रीडिंग के अंदर भी दो सब टाइप्स है, एक आता है इन ब्रीडिंग और एक होगा आपका जाके आउट ब्रीडिंग। तो अब हम देखते हैं इन ब्रीडिंग में क्या है। ये होता है ब्रीडिंग सेम ब्रीड के जानवरों के बीच जिनका एंसेस्टर, मतलब कि एंसेस्टर्स 4 से 6 जनरेशन तक सेम रहता है। तो उनमें क्यों कराया जाता है, इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। होमोजाइगोसिटी आप जीन लेवल पे जाके समझेंगे कि ये प्योर, कोई भी प्योर कैरेक्टर उभर के आता है, इसीलिए इसमें होमोजाइगोसिटी इंक्रीज़ होती है। लेकिन इसके नुकसान भी है। कंटिन्यूस इन ब्रीडिंग मे कॉज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नीट में कि वॉट इज़ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के एग्जाम्पल्स, या कुछ भी पूछा सकता है, या पूछा जा सकता है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कैसे किया जाए। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, आउट क्रॉसिंग से। आउट क्रॉसिंग क्या है, एक टाइप है आउट ब्रीडिंग का। तो हम देखेंगे आगे कि आउट ब्रीडिंग होती क्या है। अब जैसे देखिए आप देख सकते हैं इन ब्रीडिंग के बगल में एच लिखा है, मतलब ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। मैं स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम प्लस मैं सेंट्रल बोर्ड एग्ज़ाम, मैं सब एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, मतलब क्लास 12th के एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछे जाते हैं कि वॉट इज़ इन ब्रीडिंग, वॉट इज़ आउट ब्रीडिंग। तो आप इन नोट्स को लेते रहें जिससे कि आपकी मदद हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इधर आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग क्या है, ब्रीडिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम ब्रीड बट नॉट हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स अप टू 4 to 6 जनरेशंस। तो यहाँ कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा 4 to 6 जनरेशन तक। देखिए अब आउट ब्रीडिंग के अंदर ही एक और टर्म आ रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग। वॉट इज क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग इज ब्रीडिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स। सो हियर द ब्रीड्स आर टोटली डिफरेंट। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि क्रॉस ब्रीडिंग होती क्या है। क्रॉस ब्रीडिंग जैसे कि देखिए आप कराया गया है हिसारडेल। हिसारडेल क्या है, शीप का नाम था, किसके बीच कराया गया है, डिफरेंट ब्रीड्स में कराया गया है, मतलब बीकानेरी ईव एंड मरीनो रैम। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन इज दिस वन कि बीकानेरी ईव एंड मरीनो रैम। अब मरीनो रैम क्या था, मेल, एंड बीकानेरी ईव फीमेल। तो आप ये देख ही सकते हैं। अब ये पूछा जाएगा कि हिसारडेल शीप जो कहाँ पे डेवलप की गई थी, तो इसका आंसर होगा पंजाब। मार्क कर लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, करन स्विस। करन स्विस मतलब सहीवाल काऊ प्लस ब्राउन स्विस बुल। इसको याद करने के लिए आप कोड देख सकते हैं कि स्विस है तो करन स्विस में स्विस आ रहा है, तो सहीवाल काऊ प्लस ब्राउन स्विस बुल ही होगा। अब ये कहाँ पर डेवलप की गई थी, NDRI कहाँ पे, NDRI मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, तो आप याद रखिए। और ये NCERT की लाइनों से लिखा गया है, तो एम्स में डेफिनेटली पूछा जाएगा और जिपमर जैसे एग्जाम्स में तो पूछा जाता है। मुझे याद है 2017 जिपमर में पूछा गया था ऐसा ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन। अब एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम, करन फ्राइज। करन फ्राइज भी एक काऊ का ही ब्रीड है जिसमें थरपरकार काऊ प्लस होल्स्टीन फ्रीजियन बुल। देखिए फ्राइज आ रहा है तो आप बोल सकते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन बुल प्लस थरपरकार। थरपरकार का मतलब कि एनी जनरल काऊ, इसीलिए इसमें यूज़ किया गया है। डेवलप्ड
NDRI करनाल हरियाणा. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर इज NDRI सिचुएटेड, तो सो यू हैव टू टेल करनाल हरियाणा. ओके, करन फ्राइज में क्या था? देखिए होल्स्टीन फ्रीजियन था, तो होल्स्टीन तो बुल होलैंड से था और काउ इंडियन थी. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. सुनंदिनी नॉन डेस्क्रिप्ट काउ, ये एक्चुअली ये तमिल साइड में हुआ था, तो इसमें काउ का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं गया था, लेकिन कोई भी बुल होल्स्टीन फ्रीजियन या ब्राउन स्विस बुल या जर्सी बुल से कराया जाता है मेटिंग. अब ये मेटिंग कराया क्यों जाता था? क्योंकि हमें ब्रीड के लेवल को उठाना था, मतलब कि अगर ब्रीड ज़्यादा अच्छा हो, जो मेटिंग के बाद अगर अच्छे कैरेक्टर्स उसमें आ जाएं, तो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन, ज़्यादा स्टेबिलिटी, ये सब हमें मिल सकता है. इसीलिए ये सब क्रॉस ब्रीड कराया जा रहा था. अब जैसे फ्रिजवॉल सहीवाल का वो प्लस होल्स्टीन फ्रीजियन बोलिए, मैंने आगे भी आपको बताया था. अब चलिए अब देखते हैं हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. इंटर स्पेसिफिक, तो नाम से आप समझ रहे हैं कि इंटर स्पीशीज़, ठीक है, दो स्पीशीज़ के बीच में ब्रीडिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ बिलोंगिंग टू सेम जीनस. सेम जीनस होना चाहिए बट स्पीशीज़ डिफरेंट होनी चाहिए. इट मे शो हाइब्रिड विगर, जनरली दे शो हाइब्रिड इनफर्टिलिटी, मतलब कि हाइब्रिड वो इनफर्टाइल होता है, वो हाइब्रिड मेट नहीं कर सकता, तो हाइब्रिड बिना मेटिंग के ही मर जाता है, मतलब कि वायबिलिटी नहीं है ज़्यादा. अब एग्जांपल आप याद रख सकते हैं म्यूल का, क्वेश्चन आएगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें आपको करना पड़ेगा म्यूल फीमेल डंकी प्लस फीमेल हॉर्स प्लस मेल डंकी, याद रखिएगा इसे. अब आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में और हर जगह ऑलमोस्ट पूछा जाता है. ये क्वेश्चन ये क्या है? MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. अब पहले आपको इस प्रोसेस को बढ़िया से समझना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, बिकॉज ये बोर्ड में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, प्लस NCERT में भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपको समझने में आसानी होगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ MOET. MOET मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, मतलब देखिए ओव्यूलेशन के बाद जो एम्ब्रियो जो बने पहले हमको क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन में तो एक ओवम निकलता है, बट इसमें मल्टीपल, मतलब हम कुछ हार्मोन इंजेक्ट करेंगे उसके बाद बहुत सारे एम्ब्रियो निकलेंगे, फिर हम उसको एम्ब्रियो को, देखिए एम्ब्रियो नहीं एक्चुअली, अब क्या होता है देखिए FSH लाइक हार्मोन को सबसे पहले इंजेक्ट करना पड़ता है, फिर क्या है काऊ में इंजेक्ट किया तो 6 to 8 ओवर रिलीज, क्योंकि हम जानते हैं कि FSH से क्या होगा, इंड्यूस होगा ओवम रिलीज, तो ये 6 to 8 ओवर रिलीज हो जाएगा साइमल्टेनियसली. अब क्या है आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड और मेटेड विथ हाई क्वालिटी ब्रीड ऑफ बुल, ठीक है. अब आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड का मतलब क्या बताया जा रहा है कि अगर आप चाहे तो उस उन ओवा को बाहर निकाल के आप AI एक प्रोसेस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जहाँ पे सीमेन और ये आपके ओवम को मिलाया जाता है पेट्री डिश में, आप वो कर सकते हैं, या फिर आपको हाई क्वालिटी ब्रीड ऑफ बुल से मेट करवाना पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट्स अच्छे दिखेंगे. अब क्या है 6 to 8 जाइगोट्स आर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि देखिए 6 to 8 ओवर प्रोड्यूस हुए तो ऑलमोस्ट चलिए 6 जाइगोट्स प्रोड्यूस हो गए हैं और एम्ब्रायोजेनेसिस स्टार्ट हो रहा है. कहाँ स्टार्ट हो रहा है? उस फीमेल काउ, मतलब उस काउ के अंदर हो रहा है. अब हमें ये प्रोसेस याद रखना पड़ेगा कि अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 to 32 सेल स्टेज इज नॉन सर्जिकली रिमूव्ड. कैसे रिमूव होता है? नॉन सर्जिकली, ये याद रखिएगा, 8 to 32 सेल स्टेज पे रिमूव किया जाता है. और कैसे? नॉन सर्जिकली रिमूव किया जाता है एंड ट्रांसफ़र टू सेरोगेट काउ. सेरोगेसी आपको पता ही होगा, सेरोगेसी क्या होता है कि एक फीटस को दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे वॉर्म में, तो उसे सेरोगेसी कहते हैं. चलिए अब देखते हैं हम आगे नेक्स्ट में क्या लिखा है. नोट वेरियंट ऑफ द अबव प्रोसेस इज ऑल्सो अवेलेबल, मतलब कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही नहीं और भी ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं, हम उन प्रोसेस का भी यूज़ कर सकते हैं. अब चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो मैंने पहले कहा था कि क्वेश्चन आएगा, तो आया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. देखते हैं क्या है. सेमेन कलेक्टेड कैन बी ट्रांसफर्ड आर्टिफिशियली इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट और सेमेन और अर्ली एम्ब्रियो कैन बी क्रायो प्रिजर्व्ड एट -196 डिग्री सेल्सियस यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन. देखिए ये डेफिनेशन इतना सा है बट इसमें बहुत कुछ बोला गया है. सेमेन को क्या है, कलेक्टेड कैन बी ट्रांसफर्ड आर्टिफिशियली इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिस काउ से मेट कराना है हम उसके जेनिटल ट्रैक्ट में डाल सकते हैं सीमेन,
या फिर देखिए, अगर हमारे पास अभी वो काऊ अवेलेबल नहीं है तो हम उस सेमेन को क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन सीड्स के लिए भी किया जाता है। अब क्रायो प्रिजर्वेशन किया कैसे जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है, तब आप क्रायो प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। अब आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हिस्ट्री, ज़रा देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सबसे पहले कहाँ हुआ था, IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, ये इज्जत नगर बरेली यूपी इंडिया। तो याद रहेगा आपको कि IVRI कहाँ पे है, इज्जत नगर बरेली यूपी पे है, यूपी में है। चलिए अब देखते हैं कैटल एंड बफेलो की तरफ आते हैं। सबसे पहले कैटल क्या होता है कि मतलब कोई भी स्पीशीज़ जो हमें मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं उन्हें कैटल बोलते हैं, ठीक है। अब कैटल के अंदर काऊ भी आता है, बफेलो भी। चलिए देखते हैं, 26 ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड 7 ब्रीड्स ऑफ बफेलो आर फाउंड इन इंडिया। तो याद रखिएगा, ये NCERT के लाइन से आया हुआ है डेटा कि 26 ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड 7 ब्रीड्स ऑफ बफेलो आर फाउंड इन इंडिया। अब मिल्च ब्रीड कौन कौन है इसमें, देखिए इसमें कैटल जनरली काऊ को रिप्रेजेंट किया गया है, तो मिल्च ब्रीड देखते हैं, हाई मिल्क प्रोडक्शन। मिल्च ब्रीड मतलब मिल्क प्रोडक्शन के लिए जनरली उन कैटल को यूज़ किया जाता है, गिर, सहीवाल, रेड सिंधी। अब उसके बाद आता है ड्रॉट ब्रीड। ड्रॉट ब्रीड का मतलब क्या है कि लो मिल्क प्रोडक्शन बट स्ट्रॉन्गर, मतलब कि उनका मस्कुलेचर स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए वो मिल्क प्रोडक्शन के साथ, थोड़ा मिल्क प्रोडक्शन के साथ एग्रीकल्चर में यूज़ किए जा सकते हैं। ड्रॉट ब्रीड के का एग्जाम्पल मालवी नागेरी, याद रखिए ये कहाँ पर ड्रॉट ब्रीड है, जनरली हरियाणा ये सब जगह पर यूज़ किया जा सकता है इन ड्रॉट ब्रीड का। तो अब चलिए हम देखते हैं जनरल यूटिलिटी ब्रीड। अब जनरल यूटिलिटी ब्रीड में क्या आता है, देखते हैं जनरल यूटिलिटी ब्रीड पे। मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर, मतलब क्या है कि मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकलता है इनसे, या फिर एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सकता है इन्हें। जनरल यूटिलिटी ब्रीड हरियाणा, ओंगोल, थर प्रकार, एग्जाम्पल्स देखिए, थर प्रकार आपने ऊपर भी देखा था एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल्स याद रखेंगे तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, आप घर में भी ये क्वेश्चन उठता है कि गाय का दूध पीजिए वो फ़ायदेमंद है, बफेलो का नहीं, लेकिन अब देखिए NCERT के लाइन से आया है कि बफेलो इज़ मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड एज लॉन्ग लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू काऊ। याद रखिएगा ये लाइन, बफेलो इज़ मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड एज लॉन्ग लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू काऊ। अब आता है बफेलो प्रोड्यूस मोर मिल्क ऑलमोस्ट 3 times एज कम्पेयर टू काऊ, 3 times मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। बफेलो का मिल्क सुपीरियर है काऊ से, देखिए ये तो आया ये लाइन, बफेलोज मिल्क सुपीरियर टू काऊ विथ रिस्पेक्ट टू फैट एंड न्यूट्रेंट्स एंड मिनरल कंटेंट्स, मतलब मिनरल कंटेंट बफेलो के मिल्क में ज़्यादा है, फैट और न्यूट्रेंट्स भी ज़्यादा है। अब देखिए कैटल के बारे में जब हमने प्रोडक्ट बात कर लिया कि कैटल का से दूध निकलता है ये वो, अब कैटल की डिजीज़ के बारे में भी तो जानना चाहिए हमें कि कैटल की क्या क्या डिजीज़ है, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इन पे भी थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। बैक्टीरियल डिजीज़, अगर क्वेश्चन आएगा कि नेम ऑन बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ कैटल, तो आपको लिखना पड़ेगा एंथ्रेक्स कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस, ब्लड मिक्स फोमी डिस्चार्ज फ्रॉम माउथ एंड एनस। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि वॉट इज़ एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाई, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तो आपको बैक्टीरियल डिजीज़ है ये आपको पता रहेगा। अब ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ब्लड मिक्स फोमी डिस्चार्ज फ्रॉम माउथ एंड एनस कैटल के कौन से डिजीज में होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा एंथ्रैक्स, या फिर बैसिलस एंथ्रेसिस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन है मैस्टाइटिस, वॉट इज मैस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ममारी ग्लैंड अडर, ठीक है याद रखिएगा मैस्टाइटिस क्या, आइटिस मतलब ही इन्फ्लेमेशन होता है आइटिस, तो आपको याद रहना चाहिए। अब आता है वायरल डिजीज ऑफ कैटल, रेंडर पेस्ट या फिर कैटल प्लेग, स्टूल विद ब्लड, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन, इन सब लाइंस को मैंने उन्हीं सब लाइंस को पिकअप किया है जो इम्पोर्टेंट है।